दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है। बुधवार को केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की सबसे महत्वाकांक्षी योजना फ्री वाईफाई की घोषणा कर दी है। इस योजना के तहत पहले चरण में दिल्ली के सभी बस स्टैंड पर 3000 वाईफाई के हॉटस्पॉट लगाए जाएंगे। पूरी दिल्ली में कुल 11000 हॉटस्पॉट लगेंगे। एक यूज़र को प्रति महीने 15 GB फ्री डेटा मिलेगा। इसकी शुरुआत 16 दिसंबर से हो सकती है। इस योजना को कैबिनेट की मंजूरी और टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। कैबिनेट ने 8 अगस्त को 4000 बस स्टॉप और हर विधानसभा में 100 हॉटस्पॉट लगाने की मंजूरी दी थी। हॉटस्पॉट के 50 मीटर की रेंज में जितने लोग होंगे वे वाईफाई का इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके लिए सरकार करीब सालाना 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में फ्री वाईफाई देने का वादा किया था। अब आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी इसे पूरा करने की कोशिश कर रही है। विधानसभा क्षेत्रों के लिहाज से हॉटस्पॉट लगाए जाएंगे। पहले 100 हॉटस्पॉट 16 दिसंबर को लॉन्च होंगे। पहले हफ्ते में 100, उसके बाद हर हफ्ते 500 हॉटस्पॉट लगाए जाएंगे। हर आधे किलोमीटर पर हॉटस्पॉट लगेगा। वाईफाई की स्पीड अधिकतम 200 से न्यूनतम 100 Mbps होगी। एक हॉटस्पॉट पर 100 लोग इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए ऐप बनाया है जिसे जारी किया जाएगा। KYC देकर फ़ोन पर OTP से वाईफाई से कनेक्ट किया जा सकता है। लोग जिस हॉटस्पॉट के नज़दीक जाएंगे वहां ऑटोमेटिक कनेक्शन हो जाएगा। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।